हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7 बज गए हैं और कल रात को मैं सोई थी 3 बजे। पिछले एक वीक से मैंने यही डिसाइड कर रखा है कि मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लगभग 2.5-3 महीने ही अब बचे हैं, तो मुझे पूरा फोकस मेरी स्टडी पे करना है और बाकी के काम तो रेगुलरिटी में जो चलने हैं वैसे चलते ही रहेंगे, इनको तो करना ही पड़ेगा। झाड़ू पोछा रोटी बर्तन कौन सा ऐसा काम है जो हम छोड़ सकते हैं, तो ये तो चलते ही रहेंगे। तो इनको मैंने कर दिया है टोटली इग्नोर इन द सेंस कि मैं, क्योंकि अब मैं इतना सब कुछ नहीं सोचती हूँ कि मैं ये सब कैसे हैंडल करूँ, कैसे करूँगी, क्या होगा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे 2-4 दिन लगे एडजस्ट होने में। उसके बाद में सब कुछ अब नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बैक पेन मुझे ज़रूर रहता है, तो वो तो रहेगा ही, उसका कोई इलाज भी नहीं है। बाकी 4 घंटे की नींद से भी अब मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत थकान फील हो रही है, क्योंकि जैसे हम शरीर को ढाल लेते हैं वैसे ही सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक नॉन स्टॉप सारा सफाई वगैरह खाना वगैरह बना के यूवी और उसके पापा को भेज दिया मैंने स्कूल और ऑफिस। अब 10 मिनट मैं अपने लिए निकालूंगी, जिसके लिए मैं अपनी फेवरेट हर्बल टी बनाऊंगी, जिसमें जो मैं दालचीनी पीपली और थोड़ा हल्दी और ये सब मिला के बनाती हूँ। जब तक हर्बल टी बनेगी तब तक मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़े अपने बाल वाल बनाऊंगी, अच्छे से प्रिपेयर करूंगी खुद को, क्योंकि खुद को अच्छा सा दिखाना भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, कॉन्फिडेंट हम रहते हैं। और थोड़ा सा समय निकालूंगी योगा के लिए या अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए, जो मैं डेली निकालती हूँ, कई बार शूट कर पाती हूँ कई बार नहीं कर पाती हूँ। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है। कल गेहूं धो के सुखाए थे, थोड़ा उनको संभाल लेते हैं, एक पूरा दिन लगेगा ये धूप में, तब जाके सूखेंगे। और पक्षियों को थोड़ा सा पानी का जो पॉट है वो साफ़ करके वापस रख दिया है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली बहुत फिट रखती है। अब वापस आ गई हूँ मैं अंदर, अपनी हर्बल टी को इंजॉय कर रही हूँ। साथ में इकोनॉमिक्स सर्वे चल रहा है, जिसको आर्थिक समीक्षा बोलते हैं, तो वो वही चल रहा है, उसके नोट्स हैं वो मैं साथ साथ में रिवाइज कर रही हूँ जो कल तक मैंने पढ़ा था। टाइमर मैंने सेट कर लिया है, अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। 8 से 9 घंटे मेरा टारगेट रहेगा पढ़ने का, इतना तो मैं इजीली अब टाइम निकालने लग गई हूँ। हफ्ता हो गया है मुझे एक अच्छा शेड्यूल बनाए हुए, और एकदम से दिमाग में बैठ गया है कि कौन से टाइम मुझे क्या करना है, और टाइम को लेके मैं काफ़ी कैलकुलेटिव हूँ अभी, क्योंकि 1 मिनट भी वेस्ट मैं करना चाहती नहीं हूँ। और कैसे तैसे अगर क्लियर कर लेती हूँ तो अच्छा ही है। ढाई 3 घंटे की नॉन स्टॉप पढ़ाई मैंने कर ली है। अब हस्बैंड आ गए हैं बच्चे को लेके स्कूल से, हम अच्छे से अब साथ में खाना खाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये वो क्वालिटी टाइम है जो हम तीनों साथ में स्पेंड करते हैं, इसके अलावा तो इतना टाइम साथ में बैठने का नहीं मिल पाता है। बारिश में हम दोनों माँ बेटे नहाए, बहुत मज़ेदार मस्त वाला फ्रेश मूड हो गया और मज़ा आ गया आज। अच्छी इतनी अच्छी बारिश हुई बहुत दिनों बाद में, वरना तो इतनी गर्मी है राजस्थान में, हमारे इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। बीच में ही एक गेस्ट आ गए थे, कोई इनके कोई रिलेटिव थे, तो उनसे थोड़ी बातचीत करने में और लगभग आधा पौना घंटा चला गया। चाय वाय बना के दी और
तो इस तरीके की अनवांटेड चीज़ें होती रहती है, तो इसके लिए भी मैं टाइम थोड़ा सा घंटे भर का स्पेयर करके रखती हूँ ताकि मेरा माइंड डिस्टर्ब ना हो। अब मैं आके बैठ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है। 2.5 घंटे की पढ़ाई, 2.75 घंटे की पढ़ाई मैं पहले कर चुकी हूँ, उसी से रीस्टार्ट करते हैं। 3 बजे का टाइम है, बच्चा सो रहा है। अब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ जिसमें ब्रॉन्टी सिस्टर्स पढ़ रही हूँ। शार्लोट ब्रॉन्टी हो गई, एमाइली ब्रॉन्टी हो गई, तो ये तीनों सिस्टर्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इनके वर्क्स हैं तीनों के, जेन आयर, और ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं अमेरिकन लिटरेचर लेके बैठूँगी। अब आ गई हूँ मैं अंदर, शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4.25 घंटे की पढ़ाई हो गई है, वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। 4:15 का समय हो गया है और अब मैं फिर से बैठूँगी, इंग्लिश ही पढ़ूँगी आगे, अमेरिकन लिटरेचर की को पढ़ूँगी, थोड़ा उसको कवर करूँगी, क्योंकि केवल इंग्लिश लिटरेचर से काम नहीं चलेगा। थोड़ा मैं साइड में अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रही हूँ, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, तो हो सकता है लास्ट अक्टूबर में करवाए या नवंबर में करवाए, तो 2.5-3 महीने का ही समय बचा हुआ है। बीच में ही बच्चा आ जाता है, बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं, और मेरे हिसाब से किसी के लिए बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। नौकरियाँ मिल जाएंगी, पढ़ाई लिखाई सब यहीं रह जाएंगी, सारी चीज़ें ऐसी ही होती रहेगी, पर बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। शाम के काम का समय हो गया है, बर्तन वगैरह सब करूँगी, पानी भर के रखना है, बर्तन करना है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है वो मैं करके रखती जाती हूँ। पेंडिंग में अगर रखूँगी तो पता है मुझे ही करना है, देर इज़ नो वन टू हेल्प मी। मुझे पता है ये चीज़, बहुत अच्छे से मैंने इस बात को पचा लिया है, तो करना तो है ही, तो आज करो, कल करो, कल करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आज कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5-5, 10-10 मिनट की, जो मैं साथ में करती जाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ही ज़रूरी है। सारा किचन का काम ख़त्म करके अब मैं नहा के आऊँगी फटाफट, उसके बाद हम बैठेंगे खाना खाने। यूवी के दादू हैं, वो भी आए हुए हैं, तो हम सब खा रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ये भी क्वालिटी टाइम है, बार बार नहीं आना। सारा काम ख़त्म करके 10:15 का टाइम हो गया है, अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। कुछ पेजेस मैंने निकाले हैं नोट्स के, तो वो पढ़ूँगी।
सारा कंप्लीट हो जाएगा जितना मेरा टारगेट है, उसके बाद मैं लेके बैठूंगी अपने चैनल का काम, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 2-2.5 घंटे लगेंगे, पर वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जितना सिखाती हूँ उससे डबल में खुद सीखती भी हूँ, क्योंकि उन वीडियोस को बनाने के लिए मैं खूब पढ़ती हूँ, एक एक चीज़ डीपली पढ़ती हूँ, और वो मेरे सिलेबस को भी कवर करता है, इसलिए मैं बहुत इन्जॉय लेते हुए इन्जॉय करते हुए इन चीज़ों को इन वीडियोस को बनाती हूँ। मेरे चैनल्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं।